हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, न्यू ज्ञान सम्राट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपने बैंक अकाउंट से अपना आधार कार्ड लिंक करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूनियन बैंक का बताऊँगा कि यूनियन बैंक अकाउंट में कैसे हम अपना आधार कार्ड लिंक करते हैं ऑनलाइन, दोस्तों बिना बैंक में गए हम, वो भी अपने मोबाइल से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी हो गया है हमारा जो आधार कार्ड है वो लिंक करना अपने अकाउंट से, यानी ज्वाइन करना हमारे अकाउंट से आधार कार्ड। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे हम करेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर क्लिक करके इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। इससे होगा ये दोस्तों, जितनी वीडियो मैं बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाइए। ठीक है, मैं कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए कि बैंक का नाम, जैसे बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया, देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in। ठीक है, इसको टाइप करने के बाद दोस्तों आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सर्च कर लीजिए इसको। सर्च करने के बाद दोस्तों इसको देखिए, यहाँ पर आपको ये वेबसाइट ओपन नज़र आएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये मोबाइल में है इसलिए इस तरह मोबाइल जैसा दिख रहा है। आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिए, इससे कंप्यूटर की तरह आपको दिखाई देगा और इजी तरीके से आपके समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दे रहा है कि आप 31 से पहले अपने आधार कार्ड को यहाँ पर लिंक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ऐड दे रहा है यूनियन बैंक वाले। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लिंक योर आधार नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वेबसाइट है इस पर, यूनियन बैंक की वेबसाइट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर दिया हुआ है यूनियन बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, 15 नंबर का जो है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताने के लिए जो भी है हम डाल देते हैं जैसे। ठीक है, आप यहाँ पर डालिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए, फिर इस पर डालिए आप, फिर इस पर क्लिक कीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर जो भी आपका नंबर है वो डाल दीजिए। फिर दोस्तों आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो आपने डाला है वो सेम यही आप नीचे डाल दीजिए, अपना जो अकाउंट है नंबर वो यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है दोनों, इसमें गलत मत डालिएगा दोस्तों, आप दोनों जो है सेम सेम डालिएगा। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका नाम है वो नाम डाल दीजिए, जैसे मेरा नाम अरविंद है तो मैं अपना अरविंद यादव नाम यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड पे आपके जो डिजिट रहते हैं 12 डिजिट के नंबर, वो आप यहाँ पर डालिए। ठीक है, चलिए मैं भी इसको डाल देता हूँ। ठीक है, आप जो भी है फटाफट इसको डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से यही नंबर जो है कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नेम एज़ आधार कार्ड, मतलब जो आपके आधार कार्ड पे नाम है वो यहाँ पर आप डालिए। ठीक है, तो जैसे मेरा नाम अरविंद यादव आधार कार्ड पे भी है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वही नाम डाल दूँगा, आपका जो नाम है दोस्तों वही नाम आप डालिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालिए। और उसके बाद दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी यहां पर डाल दीजिए, जो भी आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर दिया हुआ है देखिए सबमिट। ठीक है, फिर सबमिट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक दूसरा पेज देखिए, योर यूनियन बैंक अकाउंट नंबर एंड आधार नंबर सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब जो मैंने ये सबमिट किया था वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आप भी अपने यूनियन बैंक अकाउंट में अपने आधार कार्ड को घर बैठे लिंक कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में। दोस्तों, तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी रहेगी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी रहे जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे तो फिर मिलेंगे हम कल एक नेक्स्ट वीडियो में।